बैडमिंटन का एक ऐसा एलियट जिसे टाइम टू टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब करने का बहुत शौक है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसकी ओरिजिन स्टोरी और बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना इंट्रो के साथ। तो फीडबैक की कहानी शुरू होती है उसके प्लैनेट टेस्ला वॉर्स से, जो एक नेबुला होता है जो 60 लाइट ईयर्स दूर तक होता है। और उधर फीडबैक की स्पीशीज कंडक्टॉइड रहती है और क्रिस्टल सेपियंस की तरह कंडक्टॉइड को भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने का बहुत शौक है, और पर उनके पास सिर्फ एक ही आँख है और वो बड़े से बड़े एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो जीवित चीज़ों से भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और वो लंबी छलांग भी मार सकते हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो अनचाहे ब्लास्ट भी हो जाते हैं। और हमने बात कर ली कंडक्टॉइड के बारे में, अब बात करते हैं फीडबैक के बारे में, जिसे हमने पहली बार बेंटन क्लासिक के फ्लैशबैक में देखा था, जो बेंटन डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस के बाद होता है। पर तब तक बेंटन क्लासिक खत्म हो चुका था। तब बेन बहुत बार सिर्फ फीडबैक में ही ट्रांसफॉर्म होता था, और फिर एजमथ ने अर्थ पर आकर कहा कि पूरा प्रभाव पड़ रहा था है एक एलियन में ही ट्रांसफॉर्म होकर। फिर मालवेयर उसको ख़त्म कर देता है और फिर एजमथ फीडबैक को कोडन स्ट्रीम से निकाल देता है। और फिर पास्ट का बेन और प्रेजेंट का बेन अपनी गलतियों का एहसास होता है और उन्हें एजमथ की बात याद आती है, हमें अपने हाथ से भी जीतना चाहिए। और फिर फीडबैक मालवेयर को चीरते हुए बाहर आ रहा था और फिर हेलिक्स की मदद से वो मालवेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तो मैंने कर ली पूरी ओरिजिन खत्म फीडबैक की, तो और कुछ बेंटन फैंस फीडबैक के बारे में जानना होगा। तो वो है बेन 23, जो एक अलग डायमेंशन का बेन है। उसे फीडबैक नाम इतना पसंद आया कि वो अपने फीडबैक का नाम प्लगमैन रखना चाहा, बिल्कुल इस फोटो की तरह। वो प्लगमैन नाम बदलकर फीडबैक रख दिया। और निकोला टेस्ला, जो एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है, उनके नाम के ऊपर फीडबैक का प्लैनेट बेस्ड है। और कुछ बेंटन फैंस बशॉक और फीडबैक एक जैसे लगते, वो पावर सिन्हा की सेम होने। और फीडबैक की ओरिजिन स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना। और मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब करना ना भूलना हमारे चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाय बाय।